इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल मोशन, और इसमें हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, और ये जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी दोनों ही वेलोसिटी हम इस ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। जो एक्सिस मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो आप देख सकते हैं, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। जो वेलोसिटी है उसकी एसआई यूनिट हमने ली हुई है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की एसआई यूनिट हमने ली हुई है सेकेंड। तो एक यूनिट जो इसमें आप देख रहे होंगे ओरिजिन यहाँ पर है, और ऊपर पॉजिटिव वन प्लस टू प्लस थ्री, ये वन यूनिट वन मीटर पर सेकेंड बता रहा है। तो ये टू मीटर पर सेकेंड होगा, ये थ्री मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव में है माइनस वन मीटर पर सेकेंड माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड, इस तरह है। इसके नीचे मैंने एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई जो आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली पोजीशन के बारे में बता रहा है। लेकिन ये जो पोजीशन है ओरिजिन यहाँ पर है, राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन है पोजीशन की, और लेफ्ट साइड में आपकी नेगेटिव डायरेक्शन है पोजीशन की। तो इसके बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए ड्रॉ करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट नेगेटिव पोजीशन या ओरिजिन या पॉजिटिव पोजीशन से राइट साइड मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है, यानी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो नेगेटिव पोजीशन पे हो और वो राइट साइड में मूव कर रहा है, या ओरिजिन पे हो और वो राइट साइड मूव कर रहा है, या पॉजिटिव पोजीशन पे हो और वो राइट साइड मूव कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। उसी का अपोजिट अगर ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे है लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मींस अगर ये माइनस फोर पे है लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव वेलोसिटी होगी। अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है और लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये भी आपकी नेगेटिव वेलोसिटी होगी। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव पोजीशन पे कहीं है और वो लेफ्ट साइड मींस नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये एक नेगेटिव वेलोसिटी होगी। अब हम इस एक्सिस पे पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, ड्रॉ करना है हमें। तो शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट नेगेटिव पोजीशन पे है और यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें बात करनी है। तो ऑब्जेक्ट माइनस फोर पोजीशन पे है और अगर वो एक स्टेप मींस इसको वन मीटर आप कंसिडर करें, वन मीटर वन स्टेप मींस वन मीटर कंसिडर करें, क्योंकि ये पोजीशन मैंने एक्सिस पे ड्रॉ की हुई है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अगर ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में एक मीटर ट्रेवल करता है तो अगले सेकेंड में एक मीटर ट्रेवल करेगा, फिर अगले सेकेंड में एक मीटर, अगले सेकेंड में एक मीटर, हर एक सेकेंड में एक मीटर ट्रेवल करता है। तो स्पीड इसकी हुई वन मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी के टर्म में देखा जाए तो ये मैग्नीट्यूड है, और ये डायरेक्शन इसकी क्या है, राइट साइड मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है राइट साइड से, राइट साइड में मूव कर रहा है, और निगेटिव माइनस फोर पोजीशन से मूव कर रहा है, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो फिर प्लस वन फिर प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, इस तरह ये आगे बढ़ेगा। अगर ये राइट साइड में मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है और ओरिजिन से ये राइट साइड मूव करता है, शुरू करता है ओरिजिन से चलना शुरू करता है, राइट साइड मूव करता है, हर एक सेकेंड में एक स्टेप चलता है, एक सेकेंड में एक स्टेप मींस वन मीटर, हर एक सेकेंड में वन मीटर ट्रेवल करता है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ये भी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। और अगर ऑब्जेक्ट प्लस थ्री पोजीशन पे है और हर एक सेकेंड में वो ट्रेवल करता है एक मीटर, मींस वन स्टेप मींस वन मीटर ट्रेवल करता है, तो एक सेकेंड में वो हर एक सेकेंड में एक स्टेप राइट साइड में मूव करेगा। तो इसकी जो ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है हर एक सेकेंड में, उसकी स्पीड है एक सेकेंड के बाद उसकी स्पीड वन मीटर वो ट्रेवल करता है, हर एक सेकेंड में वन मीटर ट्रेवल करता है, हर एक सेकेंड में वन मीटर ट्रेवल करता है, एक सेकेंड में वन मीटर ट्रेवल करता है। तो ये इसका ग्राफ कुछ ये प्लस वन पे हमने ये ग्राफ बना दिया। अगर एज्यूम करें यही ग्राफ हम दूसरी तरह से बनाते हैं, ओरिजिन यहाँ प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स माइनस वन माइनस टू
माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। इसमें अगर ऑब्जेक्ट माइनस फोर से चलना शुरू करे और हर एक सेकेंड में दो स्टेप चले, एक सेकेंड में ये दो स्टेप चल रहा है, फिर अगले एक सेकेंड में दो स्टेप चल रहा है, फिर अगले एक सेकेंड में वो दो स्टेप, दो स्टेप का मतलब दो मीटर, टू मीटर्स, ठीक है। तो ये अगले दो एक सेकेंड में टू स्टेप चलेगा, फिर अगले एक सेकेंड में टू स्टेप, मीन्स अब इसकी स्पीड जो होगी टू मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। इसका ग्राफ होगा हर एक सेकेंड में, क्योंकि वो दो स्टेप चल रहा है, हर एक सेकेंड में दो स्टेप चल रहा है, तो उसकी हर एक सेकेंड बाद वेलोसिटी टू मीटर पर सेकेंड होगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ इसका। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सिस मैंने बनाया हुआ है पहले से, और वाई एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी है जिसे मैंने मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट में लिया है, और टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस पे है और इसे मैंने ऐसा यूनिट सेकेंड में लिया हुआ है, और ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव वेलोसिटी मैंने मेंशन किया हुआ है, और ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है पोजीशन के लिए। पोजीशन ये ओरिजिन है, राइट साइड आपका पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव है। इस एक्सिस में हमें नेगेटिव वेलोसिटी ड्रॉ करनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में, पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव वेलोसिटी होती है। अब वो ऑब्जेक्ट या तो नेगेटिव पोजीशन पे हो और लेफ्ट साइड मींस नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे तो भी ये नेगेटिव वेलोसिटी होगी, मींस इधर जा रहा है, या ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है और वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भी ये नेगेटिव वेलोसिटी होगी, या फिर ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव पोजीशन पे है और वो मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में तो भी ये नेगेटिव वेलोसिटी होगी। तो हमें बात करनी है यूनिफॉर्म मोशन में, तो शुरू करते हैं हम। एज्यूम करें हम कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव टू पोजीशन पे है, माइनस टू पोजीशन पे है, और वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हर एक सेकंड में वो एक स्टेप चलता है, एक स्टेप वन मीटर के इक्वल है, हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, और अगला एक स्टेप वो लेता है अगेन वन सेकंड में, फिर अगला एक स्टेप लेता है वन सेकंड, तो वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, हर एक सेकंड में वो एक मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो ये आपकी नेगेटिव वेलोसिटी होगी। इवन अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है और वो लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू करता है हर एक सेकंड में एक स्टेप, हर एक सेकंड में वो एक स्टेप मींस वन मीटर ट्रेवल करता है, या फिर ऑब्जेक्ट प्लस फोर पोजीशन पे हो और वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, हर एक स्टेप जो मूव कर रहा है वो एक सेकंड में मूव कर रहा है, हर वन सेकेंड स्टेप जो है वन सेकंड में वो मूव कर रहा है और वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी है। इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि ये हर एक सेकंड में वन मीटर ट्रेवल कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा वन मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की वन मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पोजीशन कोई भी हो, पोजीशन नेगेटिव हो, ओरिजिन हो या पॉजिटिव पोजीशन हो, लेकिन ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये एक नेगेटिव वेलोसिटी है। तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे, ये पॉइंट होगा पहला पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये हर एक सेकेंड में वो एक मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हुआ, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ये ग्राफ मैं इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव वेलोसिटी का ये ग्राफ होगा, मैग्नीट्यूड इसका वन मीटर पर सेकेंड है, और ये यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ मैंने बनाया। अब ऑब्जेक्ट अगर टू मीटर या थ्री मीटर ट्रेवल करता है हर एक सेकेंड में, एज्यूम करें ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हर एक सेकेंड में वो ट्रेवल करता है थ्री स्टेप, वन सेकेंड में वो थ्री स्टेप ट्रेवल करता, आगे वो चलेगा, आगे भी मैंने बना दिया माइनस सेवन माइनस एट, फिर अगला एक स्टेप जो वो एक सेकेंड में वो लेगा वो थ्री स्टेप लेगा, यानी हर एक सेकेंड वो थ्री मीटर ट्रेवल कर रहा है, थ्री यूनिट मीन्स थ्री सेकेंड, थ्री मीटर, करेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव में है
तो वो मूव किधर कर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी है। अगर वो जीरो पे है और वो मूव करके हर एक सेकंड के बाद वो थ्री स्टेप आगे बढ़ जाता है, इधर से इधर बढ़ता है, हर एक सेकंड में वो थ्री स्टेप चल रहा है, लेकिन वो मूव किधर कर रहा है? वो मूव नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव वेलोसिटी होगी। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट फोर्थ पोजिशन है, प्लस फोर पे है, और हर एक सेकेंड में वो ट्रेवल करता है थ्री यूनिट, थ्री यूनिट मीन्स थ्री मीटर, तो वो अगले एक सेकेंड में भी थ्री मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा थ्री मीटर पर वन सेकेंड, मीन्स थ्री मीटर पर सेकेंड। और इसका ग्राफ जो होगा, क्योंकि ये हर एक सेकेंड में वो थ्री मीटर ट्रेवल कर रहा है, इधर ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में हो, नेगेटिव पोजिशन में हो, या ओरिजिन पे हो, या पॉजिटिव पोजिशन पे हो, तीनों कंडीशंस में ऑब्जेक्ट का मोशन की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन है तीनों ही कंडीशंस में, इसलिए ये नेगेटिव वेलोसिटी है। इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, नेक्स्ट पॉइंट ये मिलेगा हमें, नेक्स्ट पॉइंट ये, और क्योंकि इसकी नेगेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव वेलोसिटी के लिए आपका ग्राफ होगा, जिसका मैग्नीट्यूड है थ्री मीटर पर सेकेंड, थ्री मीटर पर सेकेंड इसका है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, मूव कर रहा है, तो इसलिए नेगेटिव वेलोसिटी हो गई। ये आपका वन मीटर पर सेकेंड होगा, इसका मैग्नीट्यूड वन मीटर पर सेकेंड, इसका थ्री मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव वेलोसिटी होगी।